बीपीएससी में परसेंटाइल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बीपीएससी में परसेंटाइल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बीपीएससी न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। बीपीएससी न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। तो मतलब बीपीएससी का जो रूल न्यू लागू हुआ है उससे हम लोग को प्रॉब्लम है। जो परसेंटाइल सिस्टम है, दो शिफ्ट में एग्जाम नहीं होना चाहिए, वन शिफ्ट में होना चाहिए। पीसीएस का एग्जाम वन शिफ्ट में अच्छा रहेगा, तो यही प्रॉब्लम। इस तरह का इनका कैलेंडर शिफ्ट किया गया, अभी यूपीएससी के साथ डेट क्लैश कर रहा है, जिनको उसको लेकर के हम लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तारीखें भी टकरा रही, यूपीएससी के साथ बीपीएससी का तारीख टकरा रहा। इसके साथ साथ जो है कि दो शिफ्ट में एग्जामिनेशन लेना, इसका मतलब दो अलग अलग एग्जामिनेशन दे रहे हैं। इट्स नॉट अ काइंड ऑफ कि वन स्टूडेंट वन कैंडिडेट इज अपेयरिंग ऑन द सेम क्वेश्चन पेपर। नमस्कार, एनबीसी 24 मीडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। बीपीएससी कार्यालय के बाहर मेरी मौजूदगी और तमाम बीपीएससी के अभ्यर्थी जो हैं वो यहां पहुंच गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ मांगे, आइए अभ्यर्थियों से जानेंगे। क्या नाम है आपका? आशीष कुमार। आशीष जी, प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं आप? जो मतलब बीपीएससी का जो रूल न्यू लागू हुआ है उससे हम लोग को प्रॉब्लम है। जो परसेंटाइल सिस्टम है, दो शिफ्ट में एग्जाम नहीं होना चाहिए, वन शिफ्ट में होना चाहिए। पीसीएस का एग्जाम वन शिफ्ट में अच्छा रहेगा, तो यही प्रॉब्लम है। मैंने कहीं एग्जाम की जो तारीखें वो भी टकरा रही है। हाँ, तारीखें भी टकरा रही है। जो यूपीएससी मेंस एग्जाम है, प्लस सी एग्जाम है, हाँ, उन लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है, होगा ही। वही सब लेके हम लोग यहाँ पे आए हैं। क्या कुछ कहिएगा? इस चीज़ को प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? प्रदर्शन बिल्कुल, आपको जैसा पता होगा कि यहाँ पे आने के बाद जितने भाई लोग आए हुए परसेंटाइज को लेकर के, और जिस तरह का इनका कैलेंडर इशू किया गया, अभी यूपीएससी के साथ डेट क्लैश कर रहा है, जिनको उसको लेकर के हम लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और दो शिफ्ट में जो एग्जाम, तारीखें भी टकरा रही हैं। तारीखें भी टकरा रही, यूपीएससी के साथ बीपीएससी का तारीख टकरा रहा। इसके साथ साथ जो है कि दो शिफ्ट में एग्जामिनेशन लेना, इसका मतलब दो अलग अलग एग्जामिनेशन दे रहे हैं। इट्स नॉट अ काइंड ऑफ कि वन स्टूडेंट वन कैंडिडेट इज अपेयरिंग ऑन द सेम क्वेश्चन पेपर। देयर आर टू डिफरेंट क्वेश्चन पेपर फॉर टू डिफरेंट कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स। मुख्य मांग क्या है आप? मुख्य मांग यही है कि वन शिफ्ट में एक ही बार में एक एग्जामिनेशन होना चाहिए, है ना। दो शिफ्ट में एग्जामिनेशन नहीं होना चाहिए। लगने दें, वन डे वन शिफ्ट एग्जाम हो, यही हम लोग का मांग है। क्या नाम है आपका? मनीष भारती। सर, हमारी मांगे हैं कि सर एक ही दिन में एक ही शिफ्ट में एग्जाम लिया जाए, जैसे कि भारत की और भी आयोग लेती है। कहीं ना कहीं परसेंटाइल जो है वो अब ला दिया गया है सिस्टम को भी। हाँ सर, परसेंटाइल सिस्टम से भी एक सामान्य वर्ग को ही ज़्यादा फायदा मिलने की उम्मीद है, तो इससे हमारा जो आयोग शुरू से करते आ रही थी वैसे ही किया जाए तो वो ज़्यादा वैलिड होगा हम लोग के लिए, और किसी एक समुचित वर्ग को भी आरक्षण का लाभ समुचित तरीके से नहीं मिल पाएगा। विभाग के बाहर आए हैं, क्या कुछ बातें हुई? विभाग के बाहर आए हैं, क्या कुछ बातें हुई? आओ बोलो यार, क्या मांगे हैं? परसेंटाइल सिस्टम और ये दो पाली में एग्जाम। अधिकारी क्या करें यहाँ के विभाग? क्या यहाँ के अधिकारी क्या करें? जो दोनों चीज मैंने लागू करेंगे, हम लोग विरोध कर रहे हैं। अधिकारी यहाँ के क्या करें? बीपीएससी कार्यालय के जो अधिकारी वो मिले? नहीं नहीं नहीं, नहीं मिल रहे, नहीं मिले, मिलने से मना कर रहे हैं। डेट भी टकरा रहा है आप लोग? हाँ हाँ, डेट भी टकरा रहा है। यूजीसी नेट और यूपीएससी का मेंस दोनों। पहले परसेंटाइल नहीं था लेकिन अब लागू कर दिया गया है परसेंटाइल सिस्टम। नहीं, पहले परसेंटाइल नहीं था लेकिन अब लागू कर दिया गया है परसेंटाइल सिस्टम। नहीं, ये इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। मुख्य मांग है परसेंटाइल सिस्टम जिस तरीके से लागू हुआ है उसको वापस ले लीजिए। यस, क्या कहिएगा आप? हम लोग इस परसेंटाइल सिस्टम के विरोध हैं, क्योंकि अगर हम लोग कभी भी क्वेश्चन सेट वगैरह सॉल्व करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर सेट में सिमिलर ही मार्क्स आए। अगर ये अलग अलग पार्ट में एग्ज़ाम होगा, दो शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, तो दोनों सेट के कट ऑफ भी अलग होंगे। हम लोग चाहते हैं कि वन डे वन एग्ज़ाम हो और एक डेट तय करके हम लोग को बता दिया जाए, जिसके लिए हम लोग आगे प्रिपरेशन करें। डेट भी टकरा रही है? हाँ बिल्कुल, अभी यूपीएससी का मेंस का भी डेट और हमारा पीटी भी क्लैश कर, सॉरी यूजीसी का डेट भी क्लैश कर रही है, तो उसके लिए डेट में भी क्लेरिफिकेशन चाहिए। विभाग की तरफ से कुछ संदेश आया? नहीं, अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है।
देखिए तमाम ये बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं, कहीं ना कहीं इनका साफ कहना है कि जिस तरीके से परसेंटाइल सिस्टम लाया गया है इसको विभाग जो है वो वापस ले और कहीं ना कहीं डेट जो टकरा रहा है उस पर ध्यान दे, जिस तरीके से पहले एग्जाम लिया जाता था उसी तरीके से लिया जाए। देखिए तमाम अभ्यर्थी हैं काफी परेशान हैं और क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना है, तमाम बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं और लगातार बीपीएससी आयोग के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। और भी तमाम खबरों के लिए बन रहे हैं NBC 24 मीडिया के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।